हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल आई एम सी एस ऋतु आज का वीडियो है वेदांता लिमिटेड पे वेदांता लिमिटेड ने आज अपनी अर्निंग्स रिलीज़ की हैं फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 25 की सो so, कैसी परफॉर्मेंस वेदांता ने फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट करी है परफॉर्मेंस की अदर हाईलाइट क्या है जैसे कि डी मर्जर पर क्या अपडेट आया है कंपनी की तरफ से डेट पर क्या अपडेट है कैबिक्स के क्या गाइडेंस है इन सभी अपडेट्स को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में सो so, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले हम आपके लिए और वीडियोस लेकर आए वेदांता लिमिटेड के नंबर्स की बात करें तो नंबर्स आज कंपनी ने मार्केट यार्ड में ही डिस्क्लोज कर दिए थे टू पी पे एनएससी की वेबसाइट पे कंपनी के रिजल्ट्स आ गए थे सो कैसे रिजल्ट्स हैं? चलिए जानते हैं डेटा यहाँ है पर रुपीज इन करोड़ में गिवन है ये कंसोलिडेटेड नंबर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी ने रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में थर्टी फाइव थाउजेंड टू थर्टी नाइन करोड़ का लास्ट ईयर जून क्वार्टर में थर्टी करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था लास्ट ईयर के कंपेरिजन में रेवेन्यू में ग्रोथ है अराउंड सिक्स परसेंट की एंड लास्ट क्वार्टर के हिसाब से अगर देखें तो रेवन्यू में ग्रोथ है वन परसेंट की सो थर्टी फाइव थाउजेंड टू थर्टी नाइन करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया है जून क्वार्टर में इसके अलावा टोटल एक्सपेंसिस देखें तो जून क्वार्टर में एक्सपेंसिस कंपनी के रिड्यूस हुए हैं एक्सपेंसिस आए हैं थर्टी करोड़ के एक्सपेंसिज लास्ट ईयर जून क्वार्टर से भी रिड्यूस हुए हैं लास्ट क्वार्टर से भी रिड्यूस हुए हैं फाइनेंस कॉस्ट हाई है टू थाउजेंड टू हंड्रेड ट्वेंटी टू करोड़ की ये लास्ट क्वार्टर से डिक्रीज हुई है लास्ट ईयर जून क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है फाइव नाइन टू सिक्स करोड़ का जो कि लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा का इंक्रीज है लास्ट क्वार्टर से भी अच्छा इंक्रीज है एक्सेप्शनल लॉस और गेन कंपनी ने कोई भी रिपोर्ट नहीं किया है इस क्वार्टर में आफ्टर ऑल टैक्सेस कंपनी ने नेट ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है फाइव जीरो नाइन फाइव करोड़ का लास्ट ईयर जून क्वार्टर में थ्री थ्री जीरो एट करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट था एंड लास्ट क्वार्टर में टू

कंपनी की सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस देखें तो जिंक सेगमेंट में कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है जिंक सेगमेंट में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया है 6421 करोड़ का यहां पर परफॉर्मेंस लास्ट ईयर जून क्वार्टर से भी इंप्रूव हुई है लास्ट क्वार्टर से भी इंप्रूव हुई है ऑयल एंड गैस में भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है लास्ट ईयर के कम्पेरिजन में एल्यूमिनियम सेगमेंट कंपनी का हाइस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग सेगमेंट है इस सेगमेंट में भी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी आई है लास्ट ईयर जून क्वार्टर के कंपेरिजन में भी लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में भी अदर में भी कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है नंबर्स की अदर हाईलाइट देखें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है 5095 करोड़ का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है 54% परसेंट का डीमर्जर पर लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्कीम फाइल हो गई है एनसीएलटी के साथ कंपनी का डीमर्जर का प्रोसेस ऑन ट्रैक है नेट डेट टू एबिटा रेशियो में भी इंप्रूवमेंट कंपनी ने रिपोर्ट किया है अर्लियर ये 1.9 टाइम्स था अब 1.5 टाइम्स है कंसोलिडेटेड एबिट्टा कंपनी ने रिपोर्ट किया है जून क्वार्टर में टेन करोड़ का यहाँ पर एबिट्टा में इंप्रूवमेंट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर 15 परसेंट का और लास्ट ईयर से 47 परसेंट का एबिट्टा मार्जिन इंडस्ट्री में बेस्ट एवर कंपनी ने रिपोर्ट किया है 34 परसेंट का एबिट्टा मार्जिन आया है वन बेसिस पॉइंट का इम्प्रूवमेंट है लास्ट ईयर के कम्पेरिजन में सो so, इस एक टेबल से हम कंपनी की पूरी परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं लास्ट ईयर जून क्वार्टर के कंपैरिजन में भी एंड लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में भी रेवेन्यू आया है 35,239 करोड़ का क्वार्टर क्वार्टर वन परसेंट इंक्रीज है लास्ट ईयर से सिक्स परसेंट इंक्रीज है एबिटा में फिफ्टीन इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लास्ट ईयर से फोर्टी फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर एट परसेंट का डिक्लाइन है लेकिन लास्ट ईयर से फाइव परसेंट का फाइनेंस कॉस्ट में इंक्रीज कंपनी ने रिपोर्ट किया है एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट 124 परसेंट बड़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 54 परसेंट बड़ा है सो क्वार्टर वन कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है कंपनी ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस रिपोर्ट करी है कंपनी की परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी आई है हायर वॉल्यूम्स की वजह से और कमोडिटी प्राइसिस में इंप्रूवमेंट की वजह से कंपनी ने इसी क्वार्टर में क्यू भी कंप्लीट किया है इससे कंपनी ने 8500 करोड़ रेस किए हैं ये वन ऑफ द लार्जेस्ट क्यू है और डी लेवरेजिंग की बात करें तो वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का क्वार्टर वन में डेट रिड्यूस हुआ है 0.6 बिलियन डॉलर से अब कंपनी का डेट रह गया है 5.5 बिलियन डॉलर और जो डिफरेंट इनिशिएटिव कंपनी ने लिए हैं उस उससे कंपनी की कॉस्ट 20 परसेंट ईयर ऑन ईयर रिड्यूस हुई है डी मर्जर ऑन ट्रैक है क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो वी को बी नेगेटिव की क्रेडिट रेटिंग मिली है एस ग्लोबल ने क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है वेदांता रिसोर्सेज की बी नेगेटिव पे अब दो बड़े इनिशिएटिव जो वेदांता लिमिटेड में हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कंपनी ने 8500 हंड्रेड करोड़ के क्यूआईपी को कंप्लीट किया है इस क्यूआईपी में ब्लू चिप म्यूचुअल फंड फॉरन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर और लार्ज फैमिली ऑफिस ने सब्सक्राइब किया है क्यूआईपी कंपनी का सब्सक्राइब हुआ था टू पॉइंट सिक्स टाइम बट ये तो सब्सक्रिप्शन की बात हो गई अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला था लेकिन इन प्रोसीड्स को कंपनी कैसे यूज करेगी तो इस पर कंपनी ने बताया है कंपनी इन प्रोसीड्स को डीलिवरेजिंग करने के लिए यूज़ करेगी मतलब अपने डेट को रिड्यूस करने के लिए यूज करेगी इससे कंपनी को इंटरेस्ट कॉस्ट सेव होगी अराउंड इलेवन हंड्रेड करोड़ की इससे कंपनी अपनी हाई कॉस्ट के लोन की रीपेमेंट करेगी और इससे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की सिक्योरिटी जो कंपनी ने प्लेच कर रखी है उनको भी कंपनी रिलीज कराएगी अराउंड फोर पॉइंट परसेंट जो सिक्योरिटीज प्लेच है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की उनको वेदांतल लिमिटेड रिलीज कराएगी इन्हीं प्रोसीड से अब डी मर्जर की बात करें तो डी मर्जर स्कीम एनसीआईटी के साथ फाइल हो गई है एनओसी मिल गई है कंपनी को स्टॉक एक्सचेंजेस से इस डी मर्जर के लिए स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएससी और एनएससी ने अपना अप्रूवल दे दिया है कंपनी को इस डी मर्जर के लिए और अब ये स्कीम एनसीएलटी के साथ फाइल हुई है कंपनी के बड़े बड़े क्रेडिटर्स जैसे कि एस और एल ने भी अपना अप्रूवल दे दिया है इस डी मजर के लिए सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रह गई है लिस्टिंग तक इस डी मजर के प्रोसेस में अब ये जो स्कीम एनसीएल के साथ फाइल हुई है इस स्कीम की हियरिंग करेगी एनसीएल उसके बाद कंपनी अपने मेंबर्स और क्रेडिटर की मीटिंग बुलाएगी ये मीटिंग बुलाई जाती है एनसीएलटी के ऑर्डर के अकॉर्डिंग और उसके कंप्लायस में उसके बाद फाइलिंग होगी कंपनी की पिटिशन की एनसीएलटी के साथ सेंक्शन के लिए उसके बाद सेंक्शन आ जाएगा एनसीएलटी का और उसके और उसके बाद लिस्टिंग होगी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग होगी इस स्टेप के बाद एक रिकॉर्ड डेट अनाउंसमेंट की स्टेप भी होगी जो कंपनी ने यहाँ पर स्किप कर दिया है सो इस स्टेप के बाद एनसीएलटी का अप्रूवल कंप्लीट होने के बाद रिकॉर्ड डेट आएगी और उसके बाद कंपनी के शेयर की लिस्टिंग और ट्रेडिंग होगी क्वार्टर वन के ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करें तो एल्युमिनियम सेगमेंट में कंपनी ने क्वार्टरली प्रोडक्शन रिपोर्ट किया है 596 केटी का लास्ट ईयर से 3 परसेंट का इंक्रीज है जिंक की बात करें तो रिफाइंड मेटल का प्रोडक्शन है 262 केटी का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है 1 परसेंट का आयरन एंड स्टील बिजनेस की बात करें तो आयरन ऑल का प्रोडक्शन 6 परसेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्टील का प्रोडक्शन 10 परसेंट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड वीडियो कंक्लूड करने से पहले जानेंगे कंपनी की डेट पोजीशन और कंपनी के कैपेक्स से रिलेटेड अनाउंसमेंट को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो यहाँ पर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कैपेक्स इन्वेस्टमेंट का अप्रूवल दिया है कैन ऑयल एंड गैस के लिए

थ्री एम टी पी ए की कैपेसिटी को कंपनी ऐड करेगी और इसके लिए कंपनी टोटल इन्वेस्टमेंट करेगी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी इस प्रोजेक्ट की टू एटी मिलियन डॉलर की और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा एटीन मंथ्स में इस प्रोजेक्ट की फंडिंग कंपनी करेगी डेट से और इंटरनल अप्रूवल से लास्ट कैपेक्स अप्रूवल कंपनी ने दिया है लांजीगर रिफाइनरी से रिलेटेड लांजीगढ़ रिफाइनरी का कैपेसिटी एक्सपेंशन 1.5 एमटीपीए तक कंप्लीट हो चुका है और इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया है क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 25 में टू एक्सपेक्टेड है कि आने वाले क्वार्टर में होगा ट्रेन टू में एलुमिना की कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा 5 mtpa तक करंट लेवल टू एम से और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होगी सिक्स करोड़ इसके कंप्लीट होने के बाद लांजीगढ़ एलुमिना की रिफाइनरी वर्ल्ड की सिंगल लार्जेस्ट लोकेशन एलुमिना रिफाइनरी बन जाएगी

क्वार्टर में हो गए हैं 16,692 करोड़ के और टोटल डेट टोटल ग्रॉस डेट हो गया है कंपनी का 78,016 करोड़ जो कि लास्ट क्वार्टर में 71,759 करोड़ का था सो so ये है वेदांता के नंबर्स की सभी इंपॉर्टेंट हाईलाइट मेरे हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी ने रिपोर्ट करी है कमोडिटी प्राइस में इंप्रूवमेंट की वजह से कॉस्ट रिडक्शन इनिशिएटिव और डी लेवर इनिशियेटिव की वजह से आज के वीडियो में इतना ही लाइक करिए सब्सक्राइब करिए थैंक यू